तीर्थ नगरी वृंदावन में ई रिक्शा चोरी के साथ उसमें बैटरी चोरी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर फोगला आश्रम के समीप चोरों ने सड़क पर खड़े ई रिक्शा को पार कर दिया। घटना को लेकर वाहन स्वामी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। गांधीनगर किशोरपुरा निवासी माधव प्रताप पुत्र भानु प्रताप के अनुसार उनके ई रिक्शा को नरेश नाम का युवक चलाता है। आज नरेश सवारियों की तलाश में फोगला आश्रम के समीप ई रिक्शा लेकर पहुंचा। वहां वो प्यास लगने पर पानी पीने के लिए चला गया। कुछ समय पश्चात जब वो मौके पर वापस आया तो ई रिक्शा गायब देखकर उसके होश उड़ गए। उसने आसपास देखा लेकिन ई रिक्शा कहीं नहीं मिला, जिसके बाद उसने घटना की सूचना ई रिक्शा स्वामी माधव को दे दी। इसके बाद दोनों ही वृंदावन कोतवाली पहुँचे और अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। इस मामले में पीड़ित माधव ने जानकारी दी। माधव प्रताप नाम है मेरा। क्या मामला हुआ है? ये 2-3 दिन से ड्राइवर अपने घर पे मेरी टमटम रख रहा था और आज इससे टमटम सुबह 8 बजे के टाइम पे फोगला आश्रम से इसकी टमटम चोर गई थी। तो ये हमारे घर पे आया, हम वारदात पे हमने 2-3 घंटे ढूंढा है, जब हमको मिली नहीं है। जब हम कोतवाली में आए रिपोर्ट दर्ज कराने, फोगला आश्रम की घटना है ये। हाँ, टमटम हमने अभी 1.5 महीने पहले खरीदी थी, नई टमटम है, बिल्कुल सोनी कंपनी की थी, लाल कलर की थी। कहाँ कहाँ आपने देखा है? आसपास में काफ़ी प्रयास कर लिया। हाँ, पूरे आसपास में मतलब बहुत जगह घूम लिया फिर भी नहीं मिली। चोरी मतलब उस समय जब जो ई रिक्शा चोरी हुआ था उस समय चालक कहाँ था जो उसे चलाता था? ये पानी पीने गया था, ये बता रहा था, मैं टमटम खड़ी करके पानी पीने गया हूँ तभी टमटम चोरी हुई। कितनी देर लगी थी पानी पीने में जो एकदम? बता रहा था कि 10-15 मिनट लगी होंगी पानी पीने में। तो इस दरमियान ले गया वो कोई चुरा कर? हाँ, कोई चुरा के ले गया। आज थाने अगर आपने तहरीर दी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।